हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मेसिस्ट। इस वीडियो में बात करेंगे एनवायरमेंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये कल आप लोगों का 15 तारीख को एग्जाम। तो देखिए, एनवायरमेंट के लिए मैंने आप लोगों के लिए बहुत बार बुक कवर करवाई है इसकी, लेकिन आप लोगों ने शायद अभी तक नहीं देखा होगा, क्योंकि बहुत से बच्चों के तो ऐसे कमेंट्स आते हैं, दीदी मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ऐसा क्या पढ़े कि बस हम पास हो जाएं। तो देखिए, पास होने के लिए मैं आपको बहुत ही अच्छा एक ट्रिक बताने वाली हूँ, जिसके लिए आप लोगों को अपनी कॉपी किताब ले आना पड़ेगा, और उसका मैं बनाऊंगी आप लोगों से सिर्फ ओनली 5 मिनट का रिविजन सीरीज जो बनवाऊंगी, उसको अगर आप बार बार रिवाइज करोगे 5 मिनट का रहेगा। देखिए, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं कवर करवाऊंगी उसको आप 5 मिनट में कवर कर पाओगे, तो वो सोचो कितना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा हो। तो इस बुक से मैं कवर कराऊंगी आप सभी लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम में हर साल पूछे ही गए हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गया ग्रीन हाउस के बारे में एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, इकोसिस्टम क्या होता है इसके बारे में काफी बार पूछा गया एग्जाम में। तो इन सभी टॉपिक के मैं शॉर्ट नोट बनवाऊंगी और जो हेडिंग्स आपको लिखना रहेंगे। देखिए क्या होता है, जब हम अपने पूरे बड़े से घर को एक लॉकर से और एक की सहायता से, की की हेल्प से पूरा लॉक करके जाते हैं, ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे ही अपने एग्जाम के लिए पूरा एक एग्जाम को एकदम घर समझना है, हाउस समझना है, और उसको लॉक करने के लिए हमारे पास एक की होगी, वो भी 5 मिनट वाली, 5 मिनट रिवीजन वाली एक की होगी आपके पास, जिसको आप सभी स्टूडेंट्स अपनी मेहनत से बनाओगे, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा, जितनी देर की वीडियो रहेगी बस उतने में ही आपको ध्यान से सुनना रहेगा। और हाँ, रिवीजन बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा, जितना ज्यादा रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके पास हेल्पफुल रहेगा, आपके लिए ही बहुत ही बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपको ये सब्जेक्ट एनवायरमेंट का सब्जेक्ट सिर्फ आज ही पढ़ना है, इसके बाद दोबारा कभी नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो इस वजह से आज इस सब्जेक्ट को इतना ज्यादा टाइम दो कि भाई कह दो कि मुझे इस सब्जेक्ट को आज ऐसे पढ़ना है कि दोबारा मुझे नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर बैक लग जाती तो क्या हाल होता है सभी लोगों को पता है। इस वजह से आपको बहुत ही ध्यान लगा के, मन पूजा एकदम ध्यान लगा के करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले, और आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है, कौन से ईयर में पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और हाँ, आई रिक्वेस्ट यू, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों लाइक कर दिया करो, अगर आप नहीं करोगे, मैं आप सभी स्टूडेंट से कहती हूँ, अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, कोई फनी वाला या एंटरटेनमेंट चैनल नहीं कि सभी देखेंगे और सभी लाइक करेंगे, तो आप फार्मासिस्ट हो, आपको तो जरूर करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, और कोई भी बिना टाइम वेस्ट किए, ओके, फाइनली लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय गाइस, कंटिन्यू करते हैं, फोकस ऑन द स्क्रीन जिसपे आपको सिर्फ और सिर्फ आपके काम की चीज ही दिखने वाली है। देखिए, एनवायरनमेंट में अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस सब के बारे में पूछा जाएगा, वायु प्रदूषण, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन एंड पॉल्यूशन, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही हम लोग कवर करेंगे। देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है, इम्पोर्टेंट वाला कवर कर रहे हैं, ठीक है। पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति क्या है, इसके क्या आशय हैं, पर्यावरणीय संबंध की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं के बारे में बताना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यही आंसर आपको लिखना है, यही क्वेश्चन देखिए घुमा के किस तरह पूछा गया, पर्यावरणीय प्रबंध की आवश्यकताएं तथा उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये 2015 में पूछा गया और कई बार पूछा गया है, तो इसके बारे में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सभी लोग जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब कुछ आप जानते हो, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट समझदार हो ही, क्योंकि हम लोग एक एनवायरमेंट में रह रहे हैं। देखिए, बस किताबी नॉलेज के बारे में आपको देखना है कि किस तरह से, किस ढंग से लिखना है। तो देखिए, पर्यावरणीय संबंध जो पद्धति है, एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा प्रमुख पर्यावरणीय प्रक्रियाओं एवं जैव प्रणाली अनुरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियंत्रण, जनसंख्या स्थिति, व्यय पद्धति तथा उनके उपयोग, भूमि उपगठन का नियंत्रण, जैव प्रजाति मतलब कि मनुष्यों के द्वारा किया जाता है, ये सब क्या है, पर्यावरण के अंतर्गत आता है, ठीक है। नियंत्रण करने व कम करने के लिए मार्ग दर्शाया जाता है, ये सब पर्यावरण के अंतर आता है, ठीक है, ये सब हम लोग जानते हैं। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे, देखिए आपको हेडिंग क्या डालनी है, हेडिंग हमने कहा था आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट लिखना है, ये क्वेश्चन डालना है, फिर आपको यहाँ पे देखिए इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंट मतलब कि पर्यावरण में क्या रिक्वायरमेंट ज्यादा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग्स पड़ी हुई हैं, जो बच्चे इंग्लिश में जाते हैं तो देखिए इंग्लिश में आप कन्वर्ट करके लिख सकते हो, यहाँ पे मेरे पास सिर्फ यही बुक है और बुक नहीं है, इस वजह से नहीं कवर हुआ था। तो देखिए, जैव विविधता की रक्षा, पर्यावरण प्रदूषण का नियंत्रण, जैव प्रणाली का, पर्यावरण प्रक्रिया का अनुरक्षण,
और सभी पॉइंट्स जो आपको लगता है कि ये पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रदूषण फैला रहे हैं, वो सब आप वो पॉइंट्स लिख सकते हो। ठीक है, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वनों के विनाश तथा रेगिस्तान में वृद्धि को रोकना, ये सब क्या है? आपको खुद पता है कि हमें पर्यावरण मतलब कि अपने एनवायरमेंट को कैसे स्वच्छ रखना है। तो ऐसे ही आपको 10 पॉइंट्स लिख देने, ठीक है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया था, मेरे क्वेश्चन पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। ISO 1400 की उपयोगिता सापेक्ष में लिखे, सापेक्ष में लिखना मतलब कि ये क्या है, और ऐसे दूसरा अथवा ये यही क्वेश्चन आंसर यही रहना है, क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। तो देखिए ISO 1400 मानवीकरण हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन ICO 1400 का प्रतिकरण प्राथमिक संबंध जो है वो पर्यावरण से संबंधित है, इसका अभिप्राय क्या है, ये है। तो ये हो गया एक सब्जेक्ट मतलब कि हेडिंग टाइप का हो गया, है ना, और इसका अभिप्राय क्या है, ये है। तो यहाँ पे आपको समझना है क्या क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये जो पर्यावरण गतिविधियां के कारण उन पर होने वाले घातक प्रभाव, देखिए घातक प्रभाव, पर्यावरण प्रदर्शित सतत सुधार करना, ठीक है, ये किसमें आता है, ISO 900 के अंतर्गत आता है, जो कि मुख्य रूप से गुणवत्ता प्रबंध से संबंधित है, तथा ISO 1400 जिसके अंतर्गत पर्यावरण संबंधी का प्रयोग मानसिक प्रगति समीक्षा व उनकी वजह से होने वाले लाभ उपरोक्त को लागू करने हेतु दिशा निर्देश मतलब कि गाइडलाइन दी जाती है, ठीक है। तो ये किसके अंदर, 1400 के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे एनवायरमेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। इसका जो आकलन है वो 152 मतलब कि 152 देशों में 63,400 संगठन द्वारा कराया गया था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है 75 मतलब कि मानवीकरण प्रकाशित किया गया था 7750 में और 1992 मतलब 1992 में ये मानवीकरण पब्लिश हुआ था कि स्थापना की गई थी लगभग EMS मतलब कि इको मैनेजमेंट ऑडिट स्कीम की स्थापना की गई थी। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसे ISO भी कहा जाता है, तो इसका आपसे अगर फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आपको ये याद रखना है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये कब हुआ था, 750 से 794 में हुआ था। तो इतना था इसके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आपको अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो सिर्फ इतना इतना लिखना है। आई होप आप लोग ने क्वेश्चन को नोट किया होगा और जो जो पॉइंट मैंने बताया उतना उतना बस आपको नोट करना है। इससे क्या होगा, आप 5 मिनट में ही पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर पाओगे और एग्जाम में अच्छे से लिख पाओगे। और अगर आप लोग इस तरह चार्ट बना लोगे, ध्यान दे लोगे, थोड़ा सा मतलब इसमें ध्यान देने वाली बात है, सेंस लगाने वाली बात है और कुछ ज्यादा नहीं है। देखिए यहाँ पे 14,000 लिखा है, 14,001 लिखा हुआ है, 14,010 लिखा हुआ है, 11 लिखा है, बस आपको 12 तक लर्न करना है, ठीक है। 12 तक आप लर्न कर लो और फिर देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, पर्यावरणीय प्रबंध पद्धति का सहायक तकनीक के लिए गाइडलाइन मार्गदर्शन दिया गया था, ठीक है। पर्यावरण प्रबंध इसमें देखिए उपयोग के लिए दिशा निर्देश गाइडलाइन दिया गया था, सेम वही है, दिशा निर्देश पर्यावरणीय ऑडिटिंग की सामान्यता सिद्ध दिखाई गई थी। इसमें क्या है, दिशा निर्देश और ऑडिटिंग क्रिया भाग एक पर्यावरण संबंधी से पद्धति है, ठीक है। देखिए पर्यावरण ऑडिटिंग के लिए दिशा निर्देश पर्यावरणीय ऑडिटिंग के लिए शिक्षा के मानक है, ठीक है। तो इसमें बस आपको ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें गाइडलाइन है, इसमें दिशा निर्देश है, इसमें ऑडिटिंग के समान सिद्धांत है, इसमें क्या है, पर्यावरण संबंधी पद्धति ऑडिटिंग है और इसमें शिक्षा के मानक है, ठीक है। बस इतना आपको लिखना है, तो मतलब कि कॉपी भर जाएगी और फिर टीचर को लगेगा हाँ इतना चार्ट वार्ट बनाया तो अच्छा ही लिखा है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरणीय प्रबंध के उद्देश्य क्या हैं, ठीक है, इसके स्पष्ट कीजिए। तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, पर्यावरण प्रबंध के उद्देश्य ऑब्जेक्टिव ऑफ एनवायरमेंट मैनेजमेंट, व्यक्ति या समाज की आवश्यकता या वरीयता के आधार पर पर्यावरण को प्रबंध पद्धति के अनेक प्रकार से उनको किया गया, ठीक है। इसमें क्या बताया, समान पर्यावरण प्रबंध पद्धति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए वास्तविक या है कि पर्यावरण गुणवत्ता विश्लेषण विभिन्न विभिन्न व्यक्तियों द्वारा विभिन्न विभिन्न प्रकार से किया जाता है। पर्यावरण प्रबंध पद्धति के उल्लेख में
मुख्यतः निम्न ढंग से व्यक्त किया जाता है। नंबर एक में उत्पादक और नवीनीकरण की संतुलना चक्र के माध्यम से उपयोग वनस्पति पदार्थों तथा अनावरण उत्पाद को सुनिश्चित करता है। सेकंड नंबर है मनोरंजन, सौंदर्य, प्रसाधन तथा आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सुनिश्चित हेतु पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करता है। बहुत इजी है और इस टाइप के क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाएगा, तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर लॉन्ग पूछा जाएगा तो इतना आपने पढ़ लिया, आपको पता चल गया है कि मतलब लिखना क्या है, ठीक है, किताबी नॉलेज में। तो इतना आप लिखोगे तो अच्छे से मतलब हो जाएगा आपका पूरा क्वेश्चन कम्प्लीट। देखिए ये बहुत ही मतलब एरर है कि अगर आ ही जाएगा अगर क्वेश्चन तो फिर आपको कैसे लिखना है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये 22 नवंबर 2000 द्वारा केंद्रीय गजट ने प्रकाशित किया था, ठीक है। ये वॉइस पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है। इसके अंतर्गत आपको सब कुछ पता है कि 10 से 12 बजे के बाद कहीं पे भी आपने देखा होगा 12 बजे के बाद नहीं अलाउड होता है लाउड स्पीकर बजाना, ठीक है। तो ये नॉइस पॉल्यूशन के अंदर आता है और सब कुछ आप जानते हुए कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, बस ध्यान क्या देना है, आपको ये ध्यान देना है दिनांक 22 नवंबर 2022 द्वारा केंद्रीय गजट ने प्रकाशित किया था, ठीक है। और इसका संशोधन एक बार कब, 11 अक्टूबर 2002 द्वारा संशोधित किया गया था। और वही कहानी है, इसके अंतर्गत अगर कोई अन्याय करेगा तो फिर उसको दंडित किया जाएगा, ये सब पूरा कहानी है। अगर आपसे वाटर पॉल्यूशन के बारे में पूछा जाएगा तो इस तरह क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण नियंत्रण के लिए अधिनियम 1974 वर्णित मुख्य प्रावधानों का प्रकाश डालते हुए केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड ने किया था, ठीक है। जल प्रदूषण नियंत्रण ठीक है अधिनियम कब, 1974 में, ठीक है, कब किया गया था, 1974 में। यही है इस अधिनियम के जल प्रदूषण की रोकथाम, मतलब कि जहां पे जल प्रदूषण कैसे फैल रहा है, अगर कोई फैक्ट्री है उसका पानी, गंदा पानी जो गंगा में जा रहा है या नदियों में जा रहा है उससे वाटर पॉल्यूशन ही हो रहा है, ठीक है। और फिर ऊपर जा रहा है तो फिर बहुत ही ज्यादा एसिड हो जा रहा है, तो एसिड ड्रेन हो जा रही है, इसी के कारण से वाटर पॉल्यूशन के कारण से ही एसिड ड्रेन हो जाती है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है। तो आप लोग, हम लोग सब कुछ जानते, सब कुछ है, बस आपको ये सीखने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की कि मतलब किताबी नॉलेज की, किताबी लैंग्वेज कैसी है, उसको कैसे लिखना है, ठीक है। और पॉइंट्स क्या डालने हैं हमें, एयर पोल्यूशन की बात करें तो यहाँ पे देखिए एयर पोल्यूशन से क्या अभिप्राय है, तो इसमें CO2, CO, एयर, NH2, NH3, मिथेन की मात्रा निश्चित होती हैं जो कि मनुष्य जीवन के लिए उपयोग होती हैं, ठीक है। इन सब, इनका जो कारणवश किसी भी मात्रा का ज्यादा हो जाना या कम हो जाना क्या हो जाता है, ये वायु पोल्यूशन, एयर प्रदूषण हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर CO2 ज्यादा हो जाएगा तो फिर क्या होगा, और अगर O2 कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये सब बहुत इजी है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये साइंटिस्ट नेम आपको जरूर लिख देना है। इतना लिखने के बाद आपको कहानी बना के जो भी आपको समझ में आ रहा है, मनुष्यों के लिए, जीव जंतुओं की संपत्ति के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, ये सब लिख देना। फिर आपको यहाँ पे देखिए ये साइंटिस्ट हैस्केट के अनुसार वायु प्रदूषण जो है वो बाह तत्वों की उपस्थिति जो कि मनुष्यों, शरीर तथा कल्याण के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है, वो क्या है, वायु प्रदूषण कहलाता है। इसी तरह हेनरी परकिंस ने अपना दिया है इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैसे क्या हो रहा है, बहुत इजी है, आप पढ़ सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। मैंने आपको पहले ही बताया था ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्जाम में कई बार पूछा गया। तो देखिए यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, वैज्ञानिक के अनुसार वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जब अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है और ग्रीन हाउस पर इफेक्ट डालने लगती है, इसका कारण हमारी पृथ्वी का जो टेम्परेचर होता है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसी के अनुसार, एक अनुमान के अनुसार अगली सदी में पृथ्वी का टेम्परेचर कई डिग्री बढ़ जाए
जिसके फलस्वरूप जगह जगह पर बर्फ पिघलने लगती है और फिर क्या बाढ़ आ ही जाएगी, ठीक है, समुद्री तट आ जाएगा, डूबने लगेगा पूरा धरती, ठीक है। यही सब है कि अगर मतलब कि ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगा, ठीक है। इतना आपको इंट्रोडक्शन देने के बाद आपको यहाँ पे ये हेडिंग डालना है, इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, मतलब कि कैसे इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का, इफेक्ट ऑफ वर्थ एंड क्लाइमेट, मतलब कि मौसम तथा जलवायु का प्रभाव। 20वीं शताब्दी में जो भूमंडल का औसतन तापमान कितना था, 0.6 डिग्री था, इसकी वृद्धि हुई तो पृथ्वी का औसतन जो टेम्परेचर हो गया वो 2021 में 2100 से तथा 1990 के टेम्परेचर से 1.4 डिग्री सेल्सियस से 5.8 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता था, ठीक है। तापमान की वृद्धि के कारण बारिश में रुख में बहुत ही परिवर्तन हुआ, बारिश कम हो सकती थी और ठीक है यहाँ पे सूखा भी होने लगा, क्योंकि बारिश कम होगी तो सूखा होएगा ही। और सेकेंड हेडिंग डालना है सी लेवल चेंजेस, मतलब कि समुद्रों में क्या परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो 20वीं शताब्दी में जब ये कम वर्षा हुई थी, बारिश हुई थी, तो फिर समुद्र तटी में 1.2 मिली बढ़ रहा था, मतलब कि पूरा पानी जा ही नहीं पा रहा था आसमान से, तो बरसेगा कहां से, ठीक है, बढ़ रहा था। यह अनुमान लगाया गया कि 2100 में एक विश्व औसतन समुद्र 1990 तक 0.88 मीटर ऊपर हो जाएगा, ठीक है, यही सब बताया गया। थर्ड पॉइंट यहाँ पे डालना है इफेक्ट ऑन रेंज स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि प्रजाति वितरण में क्या होगा, भूमंडल तथा पृथ्वी के तापमान में बढ़ोतरी से तापमान विस्तरों में परिवर्तित संभावित है और इसीलिए जीवों का अक्षयशी लॉन्गिट्यूडनाइड को परिवर्तन, मतलब कि पैटर्न पर प्रभावित होता है। कई प्रजाति तो ऐसी हैं जो टेम्परेचर वृद्धि के नहीं सहन कर सकती थी और फिर वो लुप्त हो गई, खत्म हो गई। इसी का फोर्थ हेडिंग डालना है आपको, देखिए क्वेश्चन नोट करना है और जो मैं हेडिंग बता रही हूँ ना बस उतना ही डालना है आपको और ये सुन लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको की पॉइंट पता रहेगा और आप हेडिंग डालोगे और लिख लोगे। भूमंडल ताप को बढ़ने से भोजन उत्पादन में कमी हो गई, मतलब कि ज्यादा गर्मी हो जाती तो फिर पेड़ पौधे जल जाते हैं, ठीक है, पूरा वर्षा अच्छे से नहीं हो पाती है। इससे 1% तापमान वृद्धि से चावल की जो उत्पादन होता है, चावल जो ग्रो होता रहता है उसमें 5% की कमी आ जाती है, क्योंकि चावल जो होता है वो वाटर में ही होता है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होने को कम करने के लिए ईंधन का प्रयोग को कम करना और वनस्पति अक्षयदान की वृद्धि, कार्बोनेट उर्वरक का प्रयोग को कम करना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को विकसित इत्यादि भूमंडल तापमान को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ प्रभावी उपाय हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाने वाला है ओजोन परत, ओजोन लेयर क्या होती है, ठीक है, ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया। ओजोन वायुमंडल का एक प्राकृतिक अवयव है जो कि ऑक्सीजन 3 परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है। वास्तव में वायुमंडल 5 भागों में बटा है, जहां पे पृथ्वी 11 किलोमीटर ऊंचाई तक परत ट्रेप्टोस्फीयर से, जिसका लगभग गैस पाई जाती है, ठीक है, उसमें कवर्ड होती है। तो इसको मैंने पहले भी पढ़ा रखा है और इसमें स्ट्रेप्टोस्फीयर कहलाती है जो कि ओजोन होती है, ठीक है, इसी से कवर रहता है, बस उतना आपको ध्यान देना है। और यहाँ पे स्ट्रक्चर जरूर बना लेना अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको सन बनाना है और फिर लहरती हुई लाइन खींच देनी है, ठीक है, लहरती हुई लाइन 4 खींच देनी है और फिर आपको यहाँ पे अपना ड्रीम हाउस बना लेना, ठीक है, छोटे छोटे से घर बना देने और फिर यहाँ पे आपको Ca2CH ऐसे करके लिख देना, कुछ भी लिख सकते हो। और फिर ऐसे ऐसे मतलब कि देख ही रहो कितना तीरे वीरे बनाना और ज्यादा कुछ नहीं है। अल्ट्रा वायलेट रेजेस लिख देना है यहाँ पे और यहाँ पे थर्मोस्फीयर लिख देना, म्यूसोस्फीयर लिख देना, ठीक है, स्ट्रेप्टोस्फीयर लिख देना। तो ये तीनों आपको नाम लिख देना और बस इतना कर देना और कुछ नहीं करना है आपको, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। प्रकृति में ओजोन ऑक्सीजन परमाणु में फोटोलाइट क्रिया करता है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सूर्य से आने वाली जो वायलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरण होती हैं, कि जो हानिकारक जो तरंगे होते हैं उनको रोकता है ये ओजोन लेयर, ठीक है। तो यही इम्पोर्टेंस है इसका और इसके आपको
आगे जो भी बना बना के जो भी मतलब कि आपको नुकसान लग रहा है इससे आप लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ग्रीन हाउस काफी बार पूछा गया है, ठीक है। ग्रीन हाउस पृथ्वी पर ऊपर विभिन्न गैस जैसे O2, NH2, CO2, SO नमी रहती है, ठीक है। इनमें क्या होता है, पदार्थ की एक निश्चित मात्रा का आवरण जिससे भूमंडल का समस्त जीवधारी जीवित रहता है और अपना पूरा जीवन चलाता रहता है। सूर्य से आने वाली विकिरण की ऊर्जा को पृथ्वी तक आने देता है, परंतु पृथ्वी में परिवर्तित होकर किरणों का वापस हो जाती हैं। किसके कारण? ग्रीन हाउसेस की वजह से, ठीक है। इस प्रकार सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी तक आकर स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र में रह जाती है, परिणाम स्वरूप जैव मंडल में स्ट्रेटोस्फीयर क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। इससे ही ग्रीन हाउस का प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट। इतना लिखने के बाद आपको जो भी समझ में आए ग्रीन हाउस से इफेक्टेड, जो भी उसका दुष्प्रभाव दिखे, सब कुछ लिख देना है। इसके बाद आपको इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनाना है, सन बना देना है, ठीक है। लिख देना है सन है, और फिर आपको चार पांच तीरे बनानी, ठीक है। फिर वही कहानी है, CO2 NH2 ऐसे ही आपको भर देना है, ठीक है। ऊपर नीचे की रेज बना देनी है, ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। इनकमिंग रेडिएशन ऑफ हायर वेल्थ लिख देना है, ठीक है। यहाँ पे ट्रोपोवस लिख देना है, और यहाँ पे फिर ट्रोपोवस लिख देना है, ऐसे ऐसे करके। बस इतना लिख दोगे तो एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। उसके आगे के फिर वही कहानी जो वहां पे लिखे थे वही यहाँ पे लिख देना, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं चेक करते हैं टीचर, ठीक है। ग्रीन हाउस के प्रभाव से ही गर्मी और औसतन उत्पन्न होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एसिड रेन, अम्लीय वर्षा बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अम्लीय वर्षा वायु प्रदूषण का मुख्य प्रभाव है, एक मुख्य प्रभाव। विभिन्न उत्पाद क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल में जल वाष्प से मिलकर रासायनिक अभिक्रिया तथा कार्बनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। वर्षा के समय यह अम्ल द्रव के रूप में धारण होता है और पृथ्वी पर बरस जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है, क्योंकि एसिड रेन से भी नुकसान होता है, ठीक है। इसका जो पीएच होता है वो ज्यादा ही होता है, पीएच मान ज्यादा होता है, जैसे वैसे वैसे अम्लीय वर्षा में वृद्धि हो जाती है। यदि वायुमंडल में जल ओस के रूप में पड़ता है तो अम्लीय वर्षा अधिकतम होती है, ठीक है। और इसका पीएच कितना होता है, 7 होता है। अम्लीय ओस को अम्लीय विपेक्षण कहते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है। फिर इसके बाद वही कहानी लिख देने की, अम्लीय वर्षा से विश्व में बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, सूखने लगते हैं पेड़ पौधे, ये सब लिख देना है। कहानी के बाद बहुत सारी कहानी लिखी है, और फिर आपको हेडिंग डालना है यहाँ पे, एसिड रेन के इफेक्ट क्या होते हैं, नुकसान क्या होते हैं। तो वनों, खेतों, नदियों, झीलों, खनिज संतुलन में होने वाले परिवर्तन से ये क्या होता है, नुकसान हो जाता है अम्लीय वर्षा में। अमेरिका के न्यू यॉर्क राज्य में 200 झीलें अम्लीय वर्षा के कारण मृत घोषित हो चुकी हैं। 200 झीलें, बताओ, उनको शून्य कर दिया गया। इन झीलों में कई जलचर जीवित रह नहीं बच पाए, क्योंकि सूख गई हैं झीलें, तो फिर कहाँ से जिंदा रहेंगे। इसी प्रकार स्वीडन में लगभग 4000 तथा नर्वो में लगभग 1500 झील मछलियां विहीन हो गई, मतलब मछलियां खत्म हो गई, ठीक है। यही सब लिखना है कि इतनी वजह से इतना नुकसान हुआ है। सेकंड पॉइंट डालना है इसका, एसिड ड्रेन की वजह से फसलों में, वनोपज में, जली में इसका बहुत ही ज्यादा नुकसान देखने को पड़ता है। अम्लीय वर्षा से पत्तियां नष्ट हो जाती है, मतलब एसिड पड़ेगा तो क्या होगा, जल जाता है ना, ज्यादा ही खट्टा रहता है, क्योंकि पत्तियां पौधों में भोजन निर्माण करने का कार्य करती हैं। अम्लीय वर्षा भोजन निर्माण की दर बहुत कम हो जाती है। अम्लीय वर्षा का असर मृदा तक भी पड़ता है, तब जो मिट्टी होती है उसमें अम्ली हो जाती है, और जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसकी उत्पादक कम हो जाता है, मतलब ज्यादा फ्रूट्स वगैरह खेत में अगर सब्जियां उगाई गई हैं तो वो कम हो जाती हैं। और यहाँ पे देखिए भौतिक पदार्थ, मतलब कि अम्लीय वर्षा से क्या क्या नुकसान होता है। भारत का ताजमहल में देखते हो आप लोग, येलो पड़ जाता है, मतलब पेंट नहीं रहता है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए अम्लीय वर्षा को रोकने के उपाय, मतलब कैसे रोका जा सकता है।
जो मृदा मिट्टी तथा झीलों में अम्लता को कम करने के लिए चूना मिलाया जा सकता है, ठीक है। तेल के विकल्प ताप विद्युत जो बिजली बन रही है को स्थान पर गैर पारंपरिक ऊर्जा को बढ़ा दिया जाता है, इसी के कारण अम्लीय वर्षा, ठीक है। और कारखानों में सल्फर डाइऑक्साइड को कम करके और वाहनों द्वारा जो गैस की मात्रा हो रही उसको उत्सर्जित करने के लिए ये एसिड रेन बहुत ही ज्यादा खतरनाक, ठीक है। तो ये सब है हो गए इसके मतलब कि कैसे कम किया जा सकता है। और फ्रेंड्स आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और ये टॉपिक एग्जाम में कई बार पूछे गए। वीडियो को ध्यान से देखना, फिर से रिवाइज कर लेना जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं, आपको हेडिंग्स उसको जरूर लिख लेना है, ठीक है। और आज मेरे सिर में पता नहीं क्यों बहुत तेज से दर्द हो रहा है, पता नहीं क्या टेंशन हो रखी है। तो इसी के साथ मैं आपको बहुत ही अच्छा एक मोटिवेशन देती हूँ, एवरीथिंग इज अ टेम्परेरी। जो नींद उड़ा देता है, तो चलिए आई होप आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और वीडियो को ध्यान से देखना, रिवाइज करना, जरूर अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अच्छे से एग्जाम देके आना और फिर कमेंट करके बताना कैसा रहा। बाय बाय गाइस।